नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी, आपको मौसमी क्विज़िन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे झूरी आलू भाजा। इसके लिए हमने दो आलू लिया है, इसका छिलका निकाल के रखा है। नमक लिया है हम स्वाद अनुसार, दो हमने सूखा मिर्च लिया है, थोड़ा सा हमने करी पत्ता लिया है, तेल हम इस्तेमाल करेंगे आलू फ्राई करने के लिए, एक चम्मच हमने मूँगफली की दाना लिया है। अभी हम एक ग्रेटर लेंगे और जो आलू को छिलका निकाल के रखा है वो आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आलू हमारा ग्रेट हो रहा है। इस तरह से हम दो आलू को ग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले को हमने ग्रेट करके ले लिया है। अभी हम एक बाउल में पानी लेंगे, इसमें ग्रेट किया हुआ आलू दे देंगे और पानी बदल बदल कर हम इसको 4 से 5 बार अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। जब तक आलू का जो स्टर्च है वो पूरी तरह से निकल ना जाए तब तक हम इसको वॉश कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अभी हम एक स्ट्रेनर लेंगे, इसमें आलू दे देंगे और इसका जो पानी है वो पूरी अच्छी तरह से निकल जाएंगे। उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तेल हमारे ऊपर आ सकते हैं छिड़क के, इसलिए सबसे पहले इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। इसको थोड़े टाइम के लिए हम इसी तरह से रख देते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम कर लिया है। सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे, धीरे धीरे फ्राई करेंगे, नहीं तो मूंगफली जल जाएगा। मूंगफली हमारा फ्राई हो गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो सूखा मिर्च लिया है उसको फ्राई कर लेंगे। सूखा मिर्च भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम तेल से निकाल लेंगे। जो करी पत्ता लिया है उसको फ्राई कर लेंगे। करी पत्ता हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी तेल से निकाल लेंगे। अभी हम आलू को फ्राई करेंगे। जब हम आलू को फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम को एकदम से तेज रखेंगे, तेज गैस पे हम आलू को फ्राई करेंगे। अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, आलू आधे से ज़्यादा फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आलू हमारा फ्राई हो गया है, अब इसको तेल से हम निकाल लेंगे और एक प्लेट के ऊपर हम टिश्यू पेपर रख देंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑब्जर्व हो जाएगा टिश्यू पेपर में। इसी तरह से बाकी का आलू भी फ्राई कर लेंगे। झूरी आलू भाजा हमारा बनके तैयार हो चुका है, हमने इसको सर्व कर दिया है। आप घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके अनुभव आप मौसमी क्विज़िन में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारा आज की रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।